थाना सदर क्षेत्र के राजपुर चुंगी में 19 दिसंबर 2020 दस्तावेज लेखक की बीच सड़क पर बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े हत्या में मुख्य आरोपित की 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मंगलवार को जब्त करने की कार्रवाई की गई। हत्याकांड के पीछे करोड़ों की जमीन का विवाद था। सदर तहसील के दस्तावेज लेखक हरेश पचौरी की 19 दिसंबर 2020 को राजपुर चुंगी में बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपित विष्णु प्रकाश रावत, भानु प्रताप मुदगल, अरुण शूटर सचिन कंजर, उसके साथी आकाश समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। संपत्ति जब्तीकरण के मामले पर एसएसपी मुनिराज जी का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश पर आरोपित विष्णु रावत की 25 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो वहीं एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि दस्तावेज लेखक की हत्या के पीछे जमीन का विवाद था। आरोपित विष्णु प्रकाश रावत ने जमीन के विवाद में दस्तावेज लेखक की हत्या कराई। आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया है, जिस पर मंगलवार को पुलिस कार्यवाही कर जब्त किया गया है। आरोपित विष्णु प्रकाश रावत की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की गई है। जनपद आगरा में थाना सदर बाजार के अंतर्गत आज हमने एक 24,51,00,000 का प्रॉपर्टी जब्त किया है। एक भू माफिया है, जनपद का बहुत बड़ा भू माफिया है। इन्हें कई प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा किया है। इनके ऊपर कई मुकदमा है। 2016 से इनके ऊपर बहुत फॉर्जरी, चीटिंग और सब चीज़ की मुकदमा लिखी है। इन्होंने पिछले साल एक वकील साहब है हरीश पचौरी, उनका हत्या किया था। शूटर का हायर करके उनका हत्या कराया था इन्होंने। वो क्राइम नंबर है 738/20, उस पर 302, 147, 148, 149, 212 का अंतर्गत FIR दर्ज किया है। उस पर 8 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर मेन मुलजिम है विष्णु रावत और उनका भाई अरुण प्रकाश और उनका साथी भानु प्रताप मुदगल और सुनील रावत और शूटर्स सचिन और आकाश और कई लोग हैं। इनके सबका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके विवेचना किया है। विवेचना में सबका कैसे कैसे घटना में शामिल था और कौन कौन पैसे दिया हत्या करने के लिए, सुपारी दिया, सब चीज़ पुलिस ने लिंक किया है। उसके बाद उनके खिलाफ इन लोग घेरो बन के एक क्राइम किया है। खासतौर से मेन मर्डर इसलिए हुआ था, एक प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए हुआ था। वकील साहब उनका प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ प्रॉब्लम किया था, उसका रास्ता से हटाने के लिए इसने हत्या किया है। और उसी में इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी का लेने के लिए एक हत्या हुआ, इसलिए इनका पूरा मेन इरादा है उस प्रॉपर्टी का कब्जा करना है। इसी चक्कर में उसने हत्या कराया और इसी के आधार पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने 204/21 में FIR दर्ज किया। और गैंगस्टर एक्ट में एक प्रोविजन है गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14(1) का अंतर्गत, वो जो व्यक्ति जो क्राइम करते हुए और उनका फाइनेंशियल बेनिफिट्स और वेल्थ कमाता है, आर्थिक धन वगैरह सब लाभ लेता है, इसके लिए घेरो बन के क्राइम करता है, उसी का पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है DM साहब का आदेश के अनुसार। हम लोगों ने इसका पूरा प्रॉपर्टी निकाला था, उन्होंने कितना इस तरह का क्राइम करते हुए कितना प्रॉपर्टी कमाया है, उसका पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिला है, उसका हम लोगों ने सबका एक पूरा लिस्ट बनाया था। लिस्ट में उसका दोनों चहल और असल संपत्ति दोनों हमने पूरा निकाला है। उसका टोटल कीमत है 24,51,00,000 का लगभग। अब इस पर पुलिस ने पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स हमने कई है उसको, उनका कई मकान है, कई स्कूल का है और कई जमीन का है, बिल्डिंग का, सबका हमने पूरा डिटेल्स लिया है। उसका सबका सील करा दिया। आज ADM और SP हमारे CO मौके पर जाके उसका सब सील कराया इन लोगों ने। और साथ साथ उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका मूवेबल प्रॉपर्टी से चल संपत्ति है, उनका घर पे जो भी उन्हें सामान खरीदा है, जो फर्नीचर्स है अंदर घर का अंदर जो भी सामान है, सब पुलिस ने कुर्की भी किया है, उसका भी है। उसका लगभग वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी का 3 करोड़ है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का लगभग 22 करोड़ का आसपास है। पुलिस ने पूरा प्रॉपर्टी आज जब्त किया है और इसी तरीके हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। जो भी अपराधी जो अपराध करके प्लस उनका धन कमाता है, धनवान बनता है, उनके हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। हमारा आगरा पुलिस ठीक है, सबको हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, सबका उनका जो भी उन्हें कैसे प्रॉपर्टी अर्जित किया है उसका हम डिटेल्स ले रहे हैं, उसका आधार पर आगे भी उनके कार्रवाई करेंगे।